नमस्कार, जय हिंद, सलाम, स्वागत सभी का। पुनः जैसा कहा था, एक और वीडियो के साथ आपके समक्ष मौजूद हूँ। आज है स्वीट संडे और आप बात करेंगे लखनऊ यूनिवर्सिटी के जो पीएचडी के फॉर्म आए हैं उसके पार्ट टू की। पार्ट वन आप सभी ने देखा, अपना प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने नहीं देखा है पार्ट वन वीडियो, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। यदि आप आवेदन करना चाहते हैं पार्ट टाइम पीएचडी के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय में, क्या उसके रूल्स एंड रेगुलेशन है, एलिजिबिलिटी क्या है, एंट्रेंस कैसे होगा, इंटरव्यू कैसे होगा और क्या फेलोशिप, स्कॉलरशिप और कोर्स पर की सुविधाएँ हैं, ये सब बातें उस वीडियो में मौजूद है, उसको देख लीजिएगा। और इस वीडियो में बात करेंगे फुल टाइम पीएचडी की। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, फुल टाइम पीएचडी की हम बात करेंगे इस वाले वीडियो में। कितनी सीटें हैं, क्या एलिजिबिलिटी है, कब एंट्रेंस होगा, कैसे उसका पैटर्न रहेगा, क्या इंटरव्यू रहेगा, कैसे बनाना है प्लान, उसके रहेंगे रिसर्च प्लान के क्या फॉर्मेट रहेंगे और रिसर्च प्लान के नंबर्स को जो 30 नंबर है उसको कितनी कैटेगरी में बांटा गया है, क्या उसका डिवाइडेशन किया गया है, ये सारी बात इस छोटे से वीडियो में करेंगे। अपने सवाल को, अपने डाउट को, अपनी जिज्ञासाओं को वीडियो के दौरान, वीडियो के अंत में ज़रूर पूछिएगा और आपको कुछ सुझाव हो मेरे लिए उसका स्वागत है तहे दिल से। सर्वप्रथम 5 नवंबर 2024 आवेदन करने की लास्ट डेट है लखनऊ यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए। पार्ट टाइम पीएचडी हो या फुल टाइम पीएचडी हो, आवेदन आप दोनों ही कैटेगरी में कर सकते हैं यदि आप दोनों कैटेगरी के लिए एलिजिबल हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है उसके लिए वीडियो ये मौजूद है फुल टाइम के लिए। पार्ट टाइम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है उसके लिए बोले वीडियो देख लीजिएगा, जो लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो 5 नवंबर 2024 लास्ट डेट है पीएचडी में आवेदन करने की लखनऊ विश्वविद्यालय में। लखनऊ विश्वविद्यालय में जो टोटल सीटें आई हैं इस बार लगभग 40 से ज़्यादा सब्जेक्ट हैं, जहाँ पीएचडी के लिए आवेदन फॉर्म निकले हैं 44 सब्जेक्ट हैं और टोटल सीटों की संख्या है 964 सीटों को पर आवेदन निकाले गए हैं और इन कैटेगरी इन सीटों को बांटा गया है तीन अलग अलग कैटेगरी में, ठीक है। 964 सीटों को तीन अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है, जैसे कि पहली कैटेगरी है 35 सीटों पर, जो कि उन बच्चों के लिए है जो आवेदन करेंगे पार्ट टाइम पीएचडी के लिए। दूसरी कैटेगरी है 358 सीटों की, ये उन बच्चों के लिए है जो यूनिवर्सिटी के ही डिपार्टमेंटल कैंपसेस के अलग अलग डिपार्टमेंट में आवेदन करेंगे और पीएचडी के लिए उनका चयन डिपार्टमेंट में ही हो जाएगा यूनिवर्सिटी के अंतर्गत। 358 सीटें हैं, साथ ही साथ 571 ऐसी सीटें हैं पीएचडी की इन 44 डिपार्टमेंट में जिनमें एडमिशन तो आपका यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में ही होगा, लेकिन आपकी कोर्स वर्क की क्लासेस, पढ़ाई लिखाई, सुपरवाइज़र, कोर्स वर्क की जो फीस सबमिट वगैरह है, एग्ज़ाम वगैरह है, डीआरसी वगैरह है, डीआरएस वगैरह है, बीआरएस वगैरह, जो ये सब होते हैं इंटरव्यू के बाद में, एडमिशन के बाद में, ये सब होंगे लखनऊ विश्वविद्यालय से संबंधित जो अपलिटेड यानी कि सह कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूट हैं उसके अंतर्गत, ठीक है। इनकी लिस्ट वेबसाइट पर मौजूद है, वहाँ जाकर विजिट करेंगे तो आपको जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। एक और बात, सीटों की संख्या कितनी है, किस डिपार्टमेंट में कितनी है, ये मैं आपको नहीं बताने वाला इस वीडियो में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसको देख लीजिएगा, क्योंकि मेन ज़रूरी बातें हैं रूल्स एंड रेगुलेशन। अगर आप एक भी रूल्स एंड रेगुलेशन को मिस करेंगे, सही से नहीं समझ पाएंगे तो आपको समस्या हो जाएगी फॉर्म भरने के बाद में। हो सकता है आपका एडमिट कार्ड ना आए, एडमिट कार्ड आए तो हो सकता है आपको डिस्क्वालीफाई भी कर दिया जाए एंट्रेंस से पहले या इंटरव्यू से पहले। तो रूल्स एंड रेगुलेशन को ध्यान से सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है। और सभी डिपार्टमेंट में सीटें आई हैं इसका ध्यान रखिएगा विशेष रूप से, किस डिपार्टमेंट की सीटें कैसी हैं अगर आपको जानना है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे पहले एलिजिबिलिटी की। एलिजिबिलिटी क्या रहेगी अप्लाई करने के लिए फुल टाइम के लिए, यदि आपने अपना मास्टर्स कंप्लीट कर लिया है तो अपना आवेदन कर सकते हैं पीएचडी के लिए। और मास्टर्स के यदि आप फोर्थ सेमेस्टर या सेकंड वर्ष में हैं और आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं हुआ है फोर्थ सेमेस्टर का भी या सेकंड ईयर का भी, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं यदि आपके फर्स्ट टाइम रिजल्ट क्लियर है और साथ ही साथ तीन सेमेस्टर अगर आप सेमेस्टर वाइज से पढ़ाई कर रहे हैं उनका रिजल्ट भी क्लियर है। तो ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन 3 साल में कंप्लीट किया है या 4 साल में कंप्लीट किया है, दोनों ही कंडीशन में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ऐसे विद्यार्थी जिनका ग्रेजुएशन 4 सालों का है, उनका मास्टर्स 1 साल का होना चाहिए और ग्रेजुएशन में उनका कम से कम 7.5 CGPA स्कोर होना चाहिए। फिर से बता दूं, ऐसे बच्चे जिनका ग्रेजुएशन 4 साल का है, उनका ग्रेजुएशन का परसेंटेज 75% या उससे प्लस होना चाहिए CGPA, इसका विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और ऐसे बच्चों का मास्टर 1 साल का होना चाहिए। आपका पीजी रेगुलर माध्यम से है या पार्ट टाइम माध्यम से है, डिस्टेंस से किया है, स्टेट से किया है, सेंटर से किया है, कहीं से भी किया हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आवेदन आप कर सकते हैं, ठीक है। एंट्रेंस एग्जामिनेशन इस बार किसी को भी नहीं दिया गया है, चाहे आप नेट क्वालिफाई हैं, सेट क्वालिफाई हैं, सिलेक्ट क्वालिफाई हैं, एनएट क्वालिफाई हैं या जेआरएफ क्वालिफाई हैं, एंट्रेंस सभी को देना है, इसका विशेष रूप से ख्याल रखिएगा, ठीक है। और जो आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा, 5 नवंबर को फॉर्म भर देंगे, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, एडमिट कार्ड वगैरह सूचना आएगी,
विद इन टू थ्री 2 से 3 वीक लगेंगे आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, एग्जाम की डेट आ जाएगी, क्योंकि अभी एग्जाम की डेट नहीं आई है। जब एग्जाम की डेट आएगी तो एग्जाम का सिलेबस क्या हुआ है, बहुत सिंपल है। यदि आपने UGC नेट की परीक्षाएं कभी दी हैं, नहीं दी हैं तो इस बार दे लीजिएगा, फॉर्म आएगा दिसंबर के लिए। नहीं तो UGC की नेट को लेकर तैयारी करो, बहुत सी किताबें मार्केट में घूम रही हैं, कोई भी किताब पुरानी ऑनलाइन देख लीजिएगा। पेपर वन जो होता है ना, इसमें 10 टॉपिक्स होते हैं अलग अलग, कोई भी 4-5 टॉपिक तैयार कर लीजिए अच्छे से। लखनऊ यूनिवर्सिटी का पेपर वन आप आराम से पास कर लेंगे, MCQ क्वेश्चन होंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। पेपर टू जो सब्जेक्ट का होगा, मान लीजिए आप पॉलिटिकल साइंस से हैं, अल्फाबेट से हैं, हिस्ट्री से हैं, साइकोलॉजी से, फिलोसफी से, केमिस्ट्री, बायो, किसी से भी हैं, तो जो UGC नेट का पेपर टू होता है, जो बच्चे साइंस के हैं या तैयार होता है उनके लिए, जो बच्चे कॉमर्स एंड आर्ट्स के हैं उनके लिए UGC होता है। तो आपका जो सब्जेक्ट का पेपर होता है, जो सेकंड पेपर होता है लगभग 300 मार्क्स का, उस पेपर का जो सिलेबस है वो सारा आराम से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, और साथ ही साथ जहाँ से आपने मास्टर्स अपनी कंप्लीट की है उस यूनिवर्सिटी का मास्टर्स का सिलेबस भी ध्यान से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो आप लखनऊ यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जामिनेशन पास कर लेंगे। बहुत इजी पेपर आता है, कोई मुश्किल की बात नहीं आती है, इसका विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। एंट्रेंस क्वालिफाई होने के बाद होगा आपका इंटरव्यू। तो एंट्रेंस में क्वालिफाई मार्क्स कितने हैं ये भी थोड़ा जान लीजिए, समझ लीजिए। जो बच्चे जनरल कैटेगरी में आते हैं उनको प्रवेश परीक्षा में लाने होंगे इंटरव्यू तक पहुँचने के लिए 50% अंक, ठीक है, इतने नंबर आपको लाने पड़ेंगे, ईजिली आएंगे, कोई दिक्कत की बात उसमें नहीं है। लेकिन जो बच्चे 50% नहीं ला पाएंगे, और ऐसे बच्चे जो जनरल कैटेगरी में नहीं है, SC हैं, ST हैं, OBC नॉन प्रीवियर हैं, PWD हैं और EWS कैटेगरी में है, विकलांग कैटेगरी में है, डिफेंस कैटेगरी में नहीं है, उनको लाने हैं 45% नंबर, ठीक है, इंटरव्यू में पहुंचने के लिए एंट्रेंस क्वालिफाई में इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और इसके अलावा अब आपका एंट्रेंस भी क्वालिफाई हो गया है ना, अब बनाना है सिनॉप्सिस यानी कि प्रपोजल। प्रपोजल कैसे बनाना है, क्या टॉपिक रहेगा, बहुत से वीडियो मौजूद हैं चैनल पर मेरे, उसको देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आप जाएंगे आपको वीडियो मिल जाएंगे। फिर भी कोई समस्या आती है कमेंट करके बताइएगा, मुझे ईमेल पर संपर्क करिएगा, कोई आपने टॉपिक सजेशन आपके पास है तो मुझे बताइएगा, करेक्शन करना हो करवा देंगे, थोड़ी सी चार्ज वो पे कर दीजिएगा पेटीएम पे, तो आपकी हेल्प हो जाएगी, टाइप करने में हेल्प आपकी कर देंगे थोड़ी बहुत जो हमको आती है, ठीक है। इसके बाद आपने प्रपोजल बना लिया, देखो अब आते हैं बात इंटरव्यू की। इंटरव्यू और एंट्रेंस पूरी तरीके से ऑफलाइन माध्यम से होगा। एंट्रेंस आपका होगा यूनिवर्सिटी के द्वारा अलग अलग सेंटर बताए गए हैं, वहाँ पर जाकर आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना होगा, जो लखनऊ यूनिवर्सिटी के आसपास ही होते हैं सेंटर, वहाँ जाकर अपना एंट्रेंस देना है आपको। और फिर एंट्रेंस क्वालिफाई करने के बाद सिनॉप्सिस जमा करने का आपको तैयारी करनी है इंटरव्यू की, ठीक है। और एक और बात, इंटरव्यू के वक्त में आपको अपना रिसर्च प्रपोजल, रिसर्च प्लान लेकर साथ ही जाना होगा, प्लस इंटरव्यू की डेट से एक डेट जब आ जाएगी, जैसे मान लीजिए आपका इंटरव्यू अगले महीने 10 तारीख को है, तो इंटरव्यू की डेट से 10-15 दिन पहले आपको रिसर्च प्रपोजल और अकेडमिक डॉक्यूमेंट यूनिवर्सिटी को मेल के माध्यम से भेजने होंगे, ताकि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाए, उसके बाद ही आपको फाइनली इंटरव्यू के लिए जाना होगा। अब जाएंगे इंटरव्यू में अपने सभी एकेडमिक डॉक्यूमेंट लेकर, एंट्रेंस में जो आपने एग्ज़ाम एंट्रेंस में क्वालिफाई किए हैं नंबर उसका प्रूफ लेकर, अप्लीकेशन फॉर्म जो आपने भरा हुआ उसकी कॉपी लेकर, अपनी पासपोर्ट साइज फ़ोटो और कुछ पैसे और आने जाने की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। और रिसर्च प्लान को बांटा गया है, जो क्योंकि 70 नंबर का होगा आपका एंट्रेंस और 30 नंबर का होगा आपका इंटरव्यू। अब इस 30 नंबर के क्राइटेरिया को यूनिवर्सिटी ने 2 पार्ट में बांट दिया है, और इस 2 पार्ट के भी 7 क्राइटेरिया कर दिए। 30 नंबर का आपका इंटरव्यू वाला पोर्शन है उसको 2 कैटेगरी में बांट दिया है, और इन 2 कैटेगरी को भी 7 सब कैटेगरी में बांट दिया है। ध्यान से सुनिएगा हर बात को, नहीं तो समस्या हो जाएगी केवल और केवल आपको। पहली कैटेगरी जो पार्ट 1 है उसके 2 भाग है। पहला भाग है JRF का, ऐसे बच्चे जिनका JRF क्वालिफाई है उनको 30 में से 7 नंबर यूनिवर्सिटी दे देगी, अगर नहीं है आपका तो मिलेगा 0, अगर है तो 7 नंबर। ऐसे बच्चे जिनका JRF क्वालिफाई नहीं हुआ, जिनका केवल नेट क्वालिफाई है या सिलेक्ट क्वालिफाई है, उनको यूनिवर्सिटी दे देगी 3 नंबर। अब मान लीजिए आपका JRF क्वालिफाई भी है और सेट भी है, तो टोटल 10 नंबर हो गए, ऐसा नहीं है। आपको जो मैक्सिमम मार्क्स है 7 वही दिए जाएंगे, अगर आपका सिलेक्ट या नेट क्वालिफाई तो आपको उसके नंबर नहीं मिलेंगे, एक ही सर्टिफिकेट का प्रूफ आपको लगाना पड़ेगा और उसी का आपको मिलेगा, ठीक है, ये 3 और 7 नंबर उसके भी है। उसके बाद है कैटेगरी 2, जिसको बांटा गया है 5 अलग अलग कैटेगरीज में, जिसमें पहला है रिसर्च प्लान जो कि 4 नंबरों का है। रिसर्च प्लान में क्या बनाना है, कैसे बनाना है आपको मालूम है, नहीं मालूम है कमेंट करके बता दीजिएगा। फिर है रिसर्च प्लान के अंदर ही एक आता है टॉपिक रिव्यू ऑफ लिटरेचर, जिसको बोलते हैं साहित्य की पुनर्समीक्षा, ये भी 4 नंबर का रखा गया है, मैक्सिमम है ये। फिर है आपका प्रस्तुतिकरण, कि आपने जो अपना प्रपोजल डिज़ाइन किया है, फ्रेम किया है, उसको प्रस्तुत कैसे करते हैं इंटरव्यू कमेटी के समक्ष, जब आपसे सवाल पूछे जाएंगे तो आपका प्रस्तुतिकरण प्रेजेंटेशन कैसा होगा, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा, सामने के क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे उसको लेकर, 4 नंबर इसके हो गए।
चार नंबर रिसर्च प्लान, चार नंबर रिव्यू लिटरेचर, चार नंबर का प्रेजेंटेशन और चार नंबर का आपका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, प्रस्तुत करने का तरीका और आपके शब्द किस वाक्य में किस प्रकार से प्रस्तुत किए गए हैं ये भी देखा जाएगा। कम्युनिकेशन में आप कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग करते हो अपने सेंटेंसेस और वाक्य को कंप्लीट करने के दौरान, इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जाएगा। इसके चार नंबर है। फिर आपके हैं क्वेश्चन, रिसर्च क्वेश्चन क्या रहेंगे, आपकी हाइपोथेसिस क्या रहेगी और कितना अवेयर हैं आप अपने टॉपिक्स के कंटेंट को लेकर। और इसी के साथ साथ इसी में टॉपिक ऐड है रिलेवेंस, कि आपका जो रिसर्च का प्लान है, टॉपिक है, रिसर्च की समस्या है जिस पर आपने अपना पीएचडी प्लान तैयार किया है, इसका रिलेवेंस क्या है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है वर्तमान संदर्भ में और यूनिवर्सिटी को, आपके डिपार्टमेंट को, इस स्टेट को और कंट्री को क्या बेनिफिट होगा आपके रिसर्च के करने से, ये प्लान भी आपको मेंशन करने होंगे प्रपोजल में आपके आइडियाज के आधार पर और आपको देने होंगे उन सवालों के जवाब जो आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये 30 नंबर डिवाइड किए गए हैं इस तरीके से। ये 30 नंबर का जो क्राइटेरिया है ना, ये पार्ट टाइम पीएचडी और फुल टाइम पीएचडी दोनों ही जगह एलिजिबल होता है, अप्लाई होता है, इसका ध्यान रखिएगा विशेष रूप से। तो फुल टाइम पीएचडी लखनऊ यूनिवर्सिटी 24-25 का सत्र के लिए आवेदन फॉर्म के लिए वीडियो था, 5 नवंबर 2024 लास्ट डेट है। एलिजिबिलिटी क्या होगी, एंट्रेंस का सिलेबस क्या होगा, एंट्रेंस क्वालिफाई करने के नंबर कितने होंगे परसेंटेज, प्रपोजल कैसे बनाना है, क्या डिज़ाइन होगा, इंटरव्यू के लिए कैसे सवालों को तैयार करने हैं आपको जवाब, और इंटरव्यू कितनी कैटेगरी में बांटा गया है, ये सब मैंने आपको बताया इस वीडियो में। इसके बाद भी कोई समस्या सवाल आपके समक्ष आई हो तो कमेंट करके पूछिएगा ज़रूर, उसका है स्वागत। और संडे है, लाइव में मिलेंगे आपसे बहुत जल्द, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, तारीफ से ज़्यादा सवाल करना सीखिए, क्योंकि सवाल पूछने वाले को भी कुछ सीखने को मिलता है और सवालों के जवाब देने वाले को भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो यही है आपसे उम्मीद कि सीखते रहिए, सिखाते रहिए, अपना प्यार और अपना आशीर्वाद सभी पर वो प्रदान करते रहिए जो योग्य है उसके लिए। जय हिंद, जय भारत, दुआ सलाम।